इनको ये पता नहीं जो पीएससी पर चिकित्सक काम करता है एमबीबीएस होता है उसको लोक सेवा आयोग से 1 लाख रुपया है और जो विशेषज्ञ है उनको 5 लाख रुपये रिवर्स बिडिंग के अंदर है। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब और कुछ ट्रेनिंग करो। उसके बाद अध्यक्ष जी इनको पता होना चाहिए दोनों चिकित्सकों में अंतर होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने पूछा हमसे है कि अभी तक हमने कितने चिकित्सकों को नियुक्त किया, कितने कार्यरत हैं। हम पूरा बता रहे, पूरी सूची आपके सामने रख रहे हैं। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हमारे पास कुल नियमित पदों की संख्या हमारे पास 19,656 है। प्रदेश में हमारे पास नियमित जो कार्यरत चिकित्सक है वो 11,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से क्योंकि चिकित्सकों की कमी है तो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको हम पुनः सेवा में ले रहे हैं। ऐसे 347 चिकित्सकों को हमने पुनर्नियोजन से भर्ती किया है। वॉक इन इंटरव्यू से हमने 496 चिकित्सकों को भर्ती किया है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभी जो तत्काल हमने नियुक्त किया है वैसे 404 चिकित्सक है। एनएचएम के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों की कुल संख्या 2,299 है। देखिए प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 8,431 है। जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल पदों की संख्या 4,426 है। जिला चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 2,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से 226 है। वाचिन इंटरव्यू के माध्यम से 187 है। एनएचएम के माध्यम से 383 है। इस प्रकार कुल विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पास 2,919 है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञता से जो जनपद के जनपद स्तर पर जो मानक है हर हमारे पास जो प्रसूत रोग सहायक अध्यक्ष जी 1,167 है। निश्चेतक हमारे पास 1,428 है। बाल रोग चिकित्सक हमारे पास 1,529 है। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास 150 है। पैथोलॉजिस्ट 175 है। जनरल सर्जन 1,427 है। जनरल फिजिशियन 1,387 है। नेत्र रोग विशेषज्ञ 175 है। हड्डी रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयों में 244 है। कान नाक गला विशेषज्ञ 175 है। त्वचा रोग विशेषज्ञ जिला स्तरीय अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी है तो 145 है। मनोरोग विशेषज्ञ भी ये बताइए अब आपको क्या दिक्कत है 129 है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट 75 है। फोरेंसिक जो पोस्टमार्टम के लिए है 150 है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट 75 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं नहीं यही जवाब है। इसमें देखिए माननीय उपमुख्यमंत्री जी और एक सेकंड बैठिए मेरा निवेदन है एक मिनट माननीय उप प्रधान जी जो आपने पूछा वही उन्होंने बताया। एक सेकंड मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूं। आपका प्रश्न ये है कि डॉक्टर जिला मुख्यालय की स्थिति में कितने डॉक्टर हैं और कितने आपने जो पूछा है वही है बता रहे हैं। आपने यही पूछा प्रश्न में कि कितने अनुपूरक ये जो डॉक्टर अनुपूरक में भी आपने यही पूछा कि कितने डॉक्टर्स हैं और कितने डॉक्टर्स नहीं हैं। आपने यही पूछा वो बता दिया ना उन्होंने। आपने कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टर अभी उसकी सूचना तो नहीं होगी सूचना नहीं पता है बता रहे जो आपने पूछा वो बता रहे हैं ना। विज्ञापन निकाला उनमें से कितने माननीय मैं बता दूं सर 12 हैं 12। अरे वो आपने बता दो ओम प्रकाश जी आपका यहाँ खड़ा करो आपने डॉक्टरी का क्या मतलब भर्ती के स्रोतों के बारे में अतुल जी ने पूछा था। माननीय जी को संभालू भर्ती के स्रोतों के बारे में पूछा है। मैं बता रहा हूं अपने कार्यकाल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती निकाली उनका उसके साथ डॉक्टर आए बस ये बता दो आप वही बता रहे हम और अध्यक्ष जी ये सर्वविदित है कि 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। मैं अतुल जी सुन लीजिए पूरी बात को। अरे भाई सुन तो लीजिए अध्यक्ष जी सुनना नहीं चाहते। अरे सुना तो सुनना नहीं चाहते बताएंगे कैसे। अरे वही बता रहे सुन तो लीजिए बैठो 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 तो प्रधान सुन तो लीजिए
अरे बैठो गुस्सा नहीं, अरे गुस्से से बीपी बढ़ेगा, एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, बैठो। अरे बैठो। अब देखिए ये सर्वविदित है कि पूरे देश में चिकित्सकों की संख्या की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोलने पर काम किया है। अरे सुनो, एक चिकित्सक बनने में, एक चिकित्सक बनने में एमबीबीएस को 5.5 साल और एमडीएमएस को 8 साल मिनिमम लगता है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है। और अगर वो सही कह रहे हैं, डॉक्टर 8 साल बनेगा तब भर्ती होगा, बनेगा तो भर्ती कहां से कर देंगे? अरे आज आज 8 साल से 3 साल में कोई डॉक्टर बन जाएगा? डॉक्टर का पता टाइम नहीं बनने के लिए पूरी पढ़ाई करेगा। अच्छा कोई निकाला डॉक्टरों के कितने विज्ञापन निकाले जब से आप मंत्री हैं? विज्ञापन निकला। अरे वही बता रहे बस, इन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए सुनो, रिवर्स बीडिंग पहली बार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में शुरू हुई। ये सारा जवाब आ गया। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से हमने भर्ती किया। अरे जब उन्होंने पूरा ओपन कर दिया है कि बच्ची डॉक्टर आए तो उसने सीधी भर्ती हो रही है। देखो अब देखिए, वेरी गुड, एल टू लेवल पर जवाब आया है, भर्ती कर रहे हैं हम लोग। और उम्र सीमा 62 से 65 पहली बार हम लोगों ने की है, केवल उन्हीं की समस्याओं को दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि नए मेडिकल कॉलेज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़े। नहीं देखिए, मैं आपकी तरफ देख के बता रहा हूं, सिर्फ मेरा आपकी तरफ दिखा। जिस समय माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने एकदम ओपन कर दिया कि जो भी डॉक्टर्स आते हैं हम रिवर्स बीडिंग, मेरी सुन लीजिए आपने बिना सुने हुए, रिवर्स बीडिंग के आधार के ऊपर भी जितने भी डॉक्टर्स आए, हमारे पास जितनी वैकेंसीज हैं उसके ऊपर भी जो आएंगे डॉक्टर तो तभी भर्ती होंगे ना। जैसे देश में उन्होंने बताया कि पूरा डॉक्टर पढ़ने में, जिस समय क्वालिफाई करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन होने में या डीएम बनने में टाइम लगता है, तो जो डॉक्टर्स आएंगे उनकी भर्ती के लिए ओपन है। जितने भी डॉक्टर्स उपलब्ध है सारे लिए जा रहे हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं लगाई जा रही, किसी डॉक्टर को मना किया जा रहा हो। इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स लिए जाएंगे उन सबको भर्ती किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3, श्री राम सिंह पटेल। नहीं वो नहीं, उससे ज्यादा टाइम नहीं है ना। राम सिंह पटेल है? नहीं है। प्रश्न संख्या 4, लो आप आ गया, थैंक यू। प्रश्न संख्या 7, श्री अनिल प्रधान। अनिल उसको बैठा दो बगल वाले को। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये जो देखिए अनिल जी, आप भी सुन लीजिए और बाकी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दवा के लेने के लिए जाना है। जो भी है, जो आप प्रश्न